हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी आप? दोस्तों मैं ऑन बोर्ड हूँ 04626 फिरोजपुर लुधियाना DMU ट्रेन में। दोस्तों मैं इस ट्रेन का दोस्तों आपको ऑन बोर्ड डिपार्चर दिखाऊंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं फिरोजपुर कैंट छावनी, और दोस्तों इस साइड से भी व्यू देख सकते हैं फिरोजपुर कैंट का दोस्तों। और वैसे तो दोस्तों मैंने अपना फिरोजपुर कैंट का लेटेस्ट ओवरव्यू बनाया हुआ है, इस ओवरव्यू का दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये अपना बाहर जाने का रास्ता है दोस्तों, और आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये हमारी ट्रेन ने दोस्तों अपना प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्चर लिया है दोस्तों, फिरोजपुर लुधियाना DMU ट्रेन ने। दोस्तों यार दोस्तों ये मेरा अपना प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और आप देख सकते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों मैंने इस रेलवे स्टेशन का आप लेटेस्ट ओवरव्यू बनाया हुआ है दोस्तों, एक बार दोस्तों आप ओवरव्यू भी चेक कर लेना दोस्तों मेरा फिरोजपुर कैंट का दोस्तों। और दोस्तों जो अपना फिरोजपुर कैंट से ट्रेनें बनकर चलती है, जैसा कि दोस्तों अपना 04611 अजमेर अमृतसर, उस ट्रेन का दोस्तों मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। उस ट्रेन का वीडियो मैंने लुधियाना जंक्शन से डिपार्चर बनाया हुआ है दोस्तों। और दोस्तों जो अपना दूसरी ट्रेन है दोस्तों, वो अपना SS नगर मोहाली 04639 फिरोजपुर SS नगर मोहाली, उस ट्रेन का दोस्तों मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है, और वो भी दोस्तों मैंने अपना लुधियाना जंक्शन से डिपार्चर लिया है दोस्तों। उस ट्रेन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। जो सामने दोस्तों अपनी ट्रेन खड़ी है दोस्तों, जो वो भी दोस्तों अपना लुधियाना फिरोजपुर DMU ट्रेन खड़ी हुई है दोस्तों, और आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब मैं आपको दोस्तों आपको ट्रैक के बारे में दोस्तों थोड़ी सी आपको ट्रैक के बारे में दोस्तों बता देता हूँ दोस्तों। और जो अपने फिरोजपुर कैंट से ट्रैक अलग होते हैं, सबसे पहला ट्रैक दोस्तों वो अपना फाजिलका को जाता है दोस्तों। और दोस्तों जो अपना फाजिलका वाला ट्रैक है दोस्तों, वो अपना जलंधर अपना फिरोजपुर सिटी से दोस्तों अपना ट्रैक अलग होता है दोस्तों। अपना जलंधर सिटी अपना फिरोजपुर कैंट से अपना फिरोजपुर सिटी से दोस्तों जो अपना दूसरा वाला ट्रैक है दोस्तों, वो अपना आप बोर्ड देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों दूसरा वाला ट्रैक अपना दोस्तों बठिंडा को जाता है वाया फरीदकोट जैतों गोनियाना होकर दोस्तों अपना बठिंडा जंक्शन को पहुँचता है। और एक बार दोस्तों इस साइड से व्यू देख सकते हैं फिरोजपुर कैंट का दोस्तों। और दूसरा वाला ट्रैक दोस्तों अपने लुधियाना जंक्शन को जाता है वाया सैदनवाला रिंसा फिरोजशाह सुलहैनी तलवंडी मोगा जगराऊं मुल्लापुर बद्दोवाल मॉडल ग्राम होकर दोस्तों अपने लुधियाना जंक्शन की तरफ जाता है। और तो दोस्तों जो अपना नेक्स्ट ट्रैक दोस्तों वो अपना जलंधर सिटी को जाता है दोस्तों। और दोस्तों वह वो अपना महलाम सुल्तानपुर लोधी मखू लोहिया का जंक्शन खोजे वाला होकर दोस्तों अपना जलंधर सिटी को दोस्तों जाता है दोस्तों। और वैसे तो दोस्तों मैंने अपना लुधियाना फिरोजपुर कैंट ट्रेन कंप्लीट जर्नी भी की हुई है दोस्तों, उस ट्रेन का दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लुधियाना ट्रेन कंप्लीट जर्नी का। वैसे तो दोस्तों मैंने अपना मोगा टू लुधियाना ट्रेन कंप्लीट जर्नी भी की है दोस्तों। और दोस्तों वो वाली जर्नी दोस्तों मैं अपना 04639 फिरोजपुर SS नगर मोहाली में की है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी दोस्तों मैं आपको ट्रैक भी दिखाऊंगा दोस्तों। और जो दोस्तों अपना बठिंडा और लोहिया खास जलंधर सिटी को जाता है दोस्तों, मैं आपको वो भी ट्रैक दिखाऊंगा। और दोस्तों यही वाला ट्रैक दोस्तों अपना बठिंडा जंक्शन को जाता है दोस्तों, मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ दोस्तों। और आप ट्रैक देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये वाली अपना दोस्तों वॉशिंग लैंड है दोस्तों। और
चलिए दोस्तों, मैं आपको लोहिया खास वाला ट्रैक दिखाता हूँ दोस्तों दूसरी साइड से। और सो दोस्तों, ये वाला ट्रैक अपना जलंधर और जलंधर सिटी को जाता है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और वैसे दोस्तों मुझे याद है, वैसे तो दोस्तों मैंने अपना दोस्तों मैं अपना पहले भी फिरोजपुर आया दोस्तों, मैंने अपना फिरोजपुर लुधियाना ट्रेन में भी दोस्तों मैंने अपना ऑनबोर्ड डिपार्चर बनाया था दोस्तों, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप ट्रैक देख सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको दोस्तों जूम कर दिखाता हूँ दोस्तों, वो वाला ट्रैक अपना जलंधर सिटी वाला। और दोस्तों DMU ट्रेन के दोस्तों एक्सेलरेशन देखिए दोस्तों, और ओके दोस्तों थैंक यू आपका इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली वीडियो आपको पसंद आएगा, और इसी तरह और वीडियो देखते रहिए। चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब और सपोर्ट